नमस्कार, मैं रोहित कुमार, ऑल टाइम सीरिया के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं राजगीर और मेरे साथ गुड्डू कुमार। तो चलिए हम लोग राजगीर चलते हैं, वहाँ देने वाले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। पैसा नहीं लेकर के लिए भाड़ा दे दो, भाड़ा दे दो यार। अरे यार, अभी हम लोग सिला पहुंच गए हैं, अभी आगे जा कर के बस में बैठते हैं, उसके बाद फिर राजगीर। चलिए आगे मिलते हैं। सिला का खाजा कैसा लग रहा है? अभी हम लोग राजगीर जाने के लिए टोटो पकड़ लिए हैं, चले जाते हैं राज। राजगीर बस स्टैंड का मोड़, अभी हम लोग एग्जैक्टली राजगीर पहुंच चुके हैं। राजगीर टूरिस्ट का पूरा चित्र रेखा और ये कुछ लिस्ट इस तरह का। अभी हम लोग जाने वाले हैं बेनुबन, तो चलिए हम लोग अभी बेनुबन चलते हैं। अभी हम लोग राजगीर पहुंच चुके हैं, राजगीर का बस स्टैंड। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं बेनुबन, यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा शायद। चलिए बने रहिए वीडियो में, ये हम लोग बेनुबन घूमते हैं। तो देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ी, देखकर आपको लग ही गया होगा कि हम लोग राजगीर आ चुके हैं। ब्रह्मकुंड जाते हैं जिधर लोग खाना उना बनाते हैं, इधर सूर्यकुंड जाते हैं जिधर लोग नहाते हैं। चलिए हम लोग बेनुबन पहुंच चुके हैं और देखने उसका मेन गेट, शायद आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखा। चलिए हम लोग अभी चलते हैं, थोड़ा पहले पानी ले ले रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, विदेशी नागरिक 150 और हम लोग भारतीय नागरिक 20 रुपये, बच्चा 10। भैया 2 टिकट दे दीजिए। तो हम बेनुबन घूमने से पहले बेनुबन के बारे में जान लेते हैं। बेनुबन जो कि राजगीर में स्थित है, भाई नेम प्लेट और इस तरह जहाँ पे गाड़ी पार्किंग लगाने का कुछ सुविधा भी दिया गया है, तो आप आए तो इधर गाड़ी पार्किंग भी लगा सकते हैं। ये जो है ये मेन गेट मेन रोड से है, जो राजगीर बस स्टैंड से आप लोग आइएगा ना, तो वहीं से आपको बेनुबन अंदर आने के लिए मिल जाएगा, जो कि राजगीर के पास एक उद्यान है जो कि बांस से घिरा हुआ था। उस समय के राजा मगध सम्राट बिंबिसार द्वारा यह बेनुबन भगवान बुद्ध को भेंट के रूप में दिया गया था, क्योंकि यह शांत जगह था, यहाँ ध्यान लगाने के लिए उपयुक्त जगह था। इस बेनुबन में एक तालाब भी है जिसका नाम कर्णदक था, जो कि भगवान बुद्ध को बहुत ही प्रिय था और वो यहाँ स्नान किया करते थे, और भगवान बुद्ध इस बेनुबन में 5 साल तक अपना जीवन व्यतीत किए थे। शानदार है, देखिए कुछ बैठने वाला कुछ कैसा इस पे हम बैठ सकते हैं, तो लगता है कि कोई अथी बैठे हुए हैं भवन में। आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड में क्या कुछ लिखा हुआ है। सावधान, आप कैमरे की नज़र में है, पार्क नियम विरुद्ध कार्य करने पर आप दंड जुर्माना के भागी होंगे। भाई
ये इतना सारा नियम था जो सही में पालन करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि अगर पालन नहीं करेंगे तो अगर दोबारा आएंगे तो हम लोग को भाई गंदगी यहाँ पे मिलेगा, साफ सफाई मिलेगा नहीं तो फिर हम लोग को अच्छा नहीं, फिर दोबारा हम लोग आना भी नहीं चाहेंगे। इसके लिए जो जो नियम दिया गया है, कृपया अगर आप लोग आए वेणुवन तो कृपया उसका पालन करें। वेणुवन में कुछ प्रोग्रेस ज़्यादा ही हो गया है। गार्डन व्हील का मतलब क्या है, बैठने वाला बहुत अच्छा ही बनाया गया है, पूरा पत्थर से जाली लगाकर। भाई ये ब्रिज बनाया गया, पता नहीं उस तरफ क्या है, पहले मैं आता था तो ऐसा तो नहीं था, कुछ दम अलग ही नज़ारा हो गया भाई, पूरा खतरनाक दम। चलिए हम लोग अभी थोड़ा ब्रिज पे चल के उस तरफ देखते हैं कि क्या है उसके बाद। भाई नज़ारा तो दम बहुत ही खतरनाक दम दिख रहा है, आकर के दम मन खुश हो जा रहा है, 20 रुपया लग रहा है बस पैसा वसूल। और विदेशी लोग आएंगे ना तो उन लोग को 160 या 150 कुछ था ऐसा। इसे देखिए भाई, खतरनाक दम नज़ारा, पूरा पहाड़ी के साथ दम आके एकदम पूरा मन खुश हो जा रहा था। ये कुछ पूरा वेणुवन का नक्शा है जो कि कहीं कहीं गार्डन तालाब, ये जो बीच में जो पॉन्ड है ना इसी में बड़ा वाला मछली रहता है उसी में, और इधर साइड ये दोनों जो है इस साइड और इस साइड, यहाँ से ये तरफ ये नया बनाया है, बाकी जो तालाब के उस तरफ जितना भी है ना वो सब पुराना है। कुछ जो कि बहुत सारा लाइन से लगी हुई है, ये देखिए हम लोग को बैठने के लिए पूरा अच्छा व्यवस्था किया गया है, इस तरह का बनाया हुआ है, अगर आप थक जाएं तो इसमें भी बैठ सकते हैं। क्लॉक टावर लगाया हुआ है, कुछ इस तरह का बनाया गया है शेड पंडाल, यहाँ शायद मेडिटेशन के लिए बैठकर यहाँ से ध्यान लगा सकते हैं, यहाँ पे शायद कोई गुरु या कोई मेडिटेशन करवाने वाले यहाँ बैठते होंगे, तो यानी एक प्रकार का स्टेज जैसा, इधर स्टेज है इधर दर्शक पब्लिक सब लोग बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ तरह का बनाया गया है। ये देखिए बच्चों को घूमने के लिए भी बहुत अच्छी तरह का से बनाया गया है, ये सीढ़ी जैसा कुछ इस तरफ से जाए उस तरफ से उतरे, मतलब यूनिक चीज़ बनाया गया है ना। चलिए इधर क्या जाए, इधर तो बच्चे लोग जाएंगे, बच्चे लोग तो हैं नहीं मेरे साथ अभी। चलिए अच्छा झूला बनाया गया है केवल बच्चों के लिए, वो देखिए पोस्टर भी लगा दिया गया केवल बच्चों के लिए। चलिए इधर हम लोग नहीं चलते हैं, चलते हैं इस तरफ। बच्चे लोग भी यहाँ पूरा अच्छे तरह से मस्ती कर रहे हैं। से पत्थर का बनाया गया पूरा सुरक्षित रखने का डिग्री करके आता है। अच्छा लग रहा है ना ये वाला झूला, शायद बड़े के लिए, मैं इसमें झूलूंगा भाई। अब झूलवा झूलने से कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? हम पूरा मजा आ रहा था, 20 रुपया महसूस, मैं तो इसी में खुश हूँ कि मेरा 20 रुपया में टिकट मिला।
जैसा लग रहा है कि झुलुआ झूल रहे हैं, लग रहा है कि बचपना याद आ रहा है कि नहीं? मतलब पूरा यार लग रहा है जैसे सरकारी स्कूल में झूला लगाता था ना, वैसा तो मजा आ रहा था। चलिए ठीक है भाई, भाई तुम बच्चों के लिए तुम बहुत मजा वाला झूला है, तुम क्या बताया, तुम बहुत खुशी हो रहा है, तुम मन तो कर रहा मैं भी इस पे चढ़ जाऊं, लेकिन नहीं कोई देख लेगा ना तो ये देखिए एकदम यूनिक यूनिक चीज लगे बच्चों, बच्चा तो मारा चढ़ के इधर से उधर जाने के लिए, और ये देखिए इधर जाए, और इधर जाने के बाद बच्चे लोग इस पे कूद भी सकते हैं। ये दीवार पे कुछ पत्थर का बंदर भी बनाया गया है जो कि राजगीर में बहुत सारे पहले थे, अभी पता नहीं है कि नहीं है, 1, 2, 3, 4 लेग बनाए गए, चारों पे चढ़ के सब बच्चे बीच में कूदेंगे। चलिए बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग कूद खेलेंगे कूदेंगे, अभी हम लोग चलते हैं, और भी बहुत सारा झूला है। सबसे मस्त मुझे ये लकड़ी वाला लगा, और ये वाला इसके अंदर से जाने के लिए सबसे मुझे मस्त लगा ना, इसमें अगर बच्चे लोग आ जाए तो झूला इसमें बहुत सारा झूलेंगे, मजा ना छोटू। हाँ ये बच्चे लोग ऊपर चढ़ गए हैं, पता नहीं किधर से निकलेंगे, जा 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 झूलो झूलो, तुम्ही लोग को तो मजा है, आ जा। ये देखिए काश मैं अभी बच्चा होता, आजा आजा आजा, आजा। इस साइड भी शायद कुछ घूमने का होगा, पर उधर सिर्फ पानी या बैठने का जगह है, उधर नहीं जाते हैं। इधर से हम लोग घूम के आ चुके हैं, अभी लोग पहला ब्रिज से जैसे हम लोग उधर से आए, अभी दूसरा ब्रिज इधर से हम लोग चढ़ के जाएंगे, इधर हम लोग तालाब जाएंगे और वहाँ पे शायद मछली भी देखेंगे। ये देखिए ऊपर से भी कुछ इस तरह का दिख रहा था, क्या छटका, देखिए हम लोग अभी उस ब्रिज से गए थे, अभी हम लोग इस ब्रिज से आ रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, और सामने पहाड़ी के साथ दम गार्डन दिखने ना भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग को भी मज़ा आ रहा हो, मज़ा आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को थोड़ा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, आप लोग को इसी तरह का मज़ा मज़ा वाला वीडियो दिखाता रहूँगा। अभी बहुत सारा है, अभी तो राजगीर का पहला ही स्टेज आए हैं, अभी बहुत सारा वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, हमको तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे, मैं बता रहा हूँ ना पूरा भारत में आप कहीं नहीं देखेंगे, सिर्फ बिहार का राजगीर में आपको देखने के लिए मिलेगा, और आपको एक यूनिक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस आप लोग को दिखाने ही वाला हूँ। तो क्या लग रहा है, जैसे कि पेड़ का कोई जड़ी है, इसमें तो आप लोग कुछ मजा नहीं, बस ये देखिए कारीगरी, इसे बोलते हैं एकदम अनोखा कारीगरी, लकड़ी का पूरी तरह से एकदम यूनिक बनाया गया, एकदम लकड़ी में पूरा खुदाई करके चारों तरफ से आप देख लीजिए एकदम पूरा, जो जड़ होता है ना पेड़ का उसमें से कुछ काट करके दिखाया गया है। आपका गांव किधर है भैया, गांव आपका राजगीर के बगल विस्थापित की तरफ, तो मजा आता होगा इसमें डेली काम करने से, डेली यही 10 किलोमीटर आओ जाओ सफर करो, मजा की आओ साइकिल चला के, पर मजा आता होगा भाई, इधर उतना दूर से आते होंगे ना इसमें घूमते होंगे तो आपका दम पूरा दम दिल खुश हो जाता होगा, आप लोगों का तो टिकट फ्री होता होगा, जैसे आप लोगों को कोई फैमिली वैमिली या बच्चे लोग आए तो। हाँ वो सब है, हाँ चलिए यही सुविधा बहुत है इसमें, अब 20 रुपया बहुत ज़्यादा कुछ टिकट नहीं ले रहा है। अभी एक मेरा दोस्त मिल चुके हैं जो कि बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा काम करते हैं बेनुबन में, ये इनका नाम है भोलू यादव, सॉरी भोलू यादव ना नाम है भैया, हाँ भोलू यादव, तो ये अभी इसमें कूड़ा जमा करने का काम करते हैं, तो चलिए हम लोग भैया को अभी इधर ही काम करने देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अभी हम लोग आगे चलते हैं, पीछे का व्यू देख करके तो भैया मज़ा आ रहा होगा, चलिए हम लोग आगे बड़ा वाला तालाब में चलते हैं, का गुड्डू भैया मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है, तो हम लोग अभी बड़ा वाला बुद्ध भगवान जी का मूर्ति के पीछे हैं, इसके आगे हम लोग को शायद तालाब मिलेगा जिसका नाम कर्णदक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।
उसमें कर्णदक तालाब में मछलियाँ और झूला, बहुत सारा वीडियो भी बाकी है जिसमें कि बहुत सारा मज़ा आने वाला है। थैंक यू।